यूं तो दुनिया भर के स्टैटिस्टिशियंस ने हमें बहुत सी थ्योरीज और मेथड्स दिए हैं, जैसे रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड डेटा एनालिसिस और भी बहुत कुछ, जिसे आज के समय में एजुकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे स्टैटिस्टिशियंस की जोड़ी के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए एक मेथड दे दिया है। अब भला कौन से हैं वो स्टैटिस्टिशियंस और कौन सा है वो मेथड, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, वो भी सिर्फ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आइए जरा जान लेते हैं कि कौन है ये स्टैटिस्टिशियंस आज के इस फैक्ट नंबर 1 में। डीएलएस मेथड में से डी है फ्रैंक डगवर्थ, एल से है टोनी लेविस और एस से है स्टीवन स्टर्न। इनकी बात हम आने वाले फैक्ट्स में करेंगे, अभी फोकस करते हैं इन स्टैटिस्टिशियंस की जोड़ी पर। डगवर्थ लुईस एक स्टैटिस्टिशियंस ड्यूओ है जिन्होंने डगवर्थ लुईस मेथड क्रिकेट मैचेस में यूज होने वाले रिवाइज टारगेट कैलकुलेशंस के लिए डेवलप किया था। इनका मेथड अब डगवर्थ लुईस टर्न यानी DLS के नाम से जाना जाता है। ये मेथड रेन अफेक्टेड मैचेस में फेयर टारगेट सेट करने में मदद करता है। इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्हें जून 2010 में MBE यानी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड भी दिया गया था। अब जरा जान लेते हैं कि क्या है ये DLS मेथड फैक्ट नंबर 2 में। DLS मेथड यानी डगवर्थ लुईस टर्न मेथड, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो लिमिटेड ओवर मैचेस में बारिश से होने वाली रुकावट के समय रिवाइज टारगेट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जब मैच में बारिश या किसी और रीजन से इंटरप्शन होती है और मैच का समय कम हो जाता है, तब DLS मेथड से टीम्स के लिए एक नया टारगेट कैलकुलेट किया जाता है जो उन्हें चेस करना होता है। इस मेथड में टीम्स के परफॉर्मेंसेस और ओवर रिमेनिंग के हिसाब से रिवाइज टारगेट डिसाइड किया जाता है ताकि फेयर रिजल्ट मिल सके। आखिर क्रिकेट में कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये DLS मेथड, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। आजकल हमें ये DLS मेथड का यूज किसी ना किसी क्रिकेट मैच में होता दिखाई देता है, लेकिन इसे देख के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि भला कौन सा था वो पहला मैच या कौन सा था वो साल जब ये DLS मेथड पहली बार यूज हुआ होगा। तो आपकी इस क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए आपको बता दें कि DLS मेथड का पहला इस्तेमाल ईयर 1997 में हुआ था, जब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला गया ODI मैच रेन से अफेक्ट हुआ था। इस मैच के बाद डगवर्थ लुईस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिकेट मैचेस में टारगेट स्कोर्स कैलकुलेट करने के लिए। फ्रैंक डगवर्थ और टोनी लेविस के रिटायर होने के बाद स्टीवन स्टर्न, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्टैटिस्टिशियन है, इस मेथड के नए कस्टोडियन बने और इस मेथड में बहुत से अपग्रेडेशंस करे, जिसके बाद इस मेथड में उनका नाम भी जोड़ दिया गया जो कि ऑफिशियली साल 2014 में DLS मेथड के नाम से फेमस हो गया। वैसे तो अब इस DLS मेथड का यूज हर जगह किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंग्लैंड और अदर कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में होता है, स्पेशली जहां वेदर कंडीशन मैचेस को इफेक्ट करते हैं। ये मेथड इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, डोमेस्टिक लीग्स जैसे IPL, BBL में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है DLS मेथड में नया स्कोर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। हर क्रिकेट फैन इतना तो जानता है कि अगर बारिश आई तो मैच में DLS मेथड लगेगा और स्कोर पहले से कम हो जाएगा, लेकिन आज क्रिकेट फैंस को इस बात की भी नॉलेज दे देते हैं कि यह मेथड काम कैसे करता है। असल में DLS मेथड का कैलकुलेशन कुछ स्टेप्स पर बेस्ड होता है। पहले मैच के इंटरप्रेटेड पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोरिंग रेट कैलकुलेट किया जाता है, फिर टीम्स को परफॉर्मेंसेस के हिसाब से टारगेट स्कोर एडजस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में प्लेयर्स, विकेट्स और रिमेनिंग ओवर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। ये कैलकुलेशंस डगवर्थ लुईस टर्न यानी DLS चार्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक मैच सिचुएशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह से रिवाइज टारगेट सेट किया जाता है और टीम को चेस करने के लिए एक नया स्कोर भी दिया जाता है। क्या DLS मेथड के रिवाइज स्कोर एक्यूरेट होते हैं, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। अक्सर क्रिकेट फैंस DLS मेथड लगने के वजह से अपने मनपसंद टीम के हारने के बाद ये सोचते होंगे कि क्या ये रिवाइज स्कोर सही कैलकुलेट हुआ है, और कहीं बार सवाल भी उठाते होंगे इस मेथड पे। तो आपको बता दें कि 1991 में बहुत से पैरामीटर्स को देखने के बाद ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस मेथड को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, और इस DLS मेथड से टारगेट स्कोर्स एक्यूरेट होते हैं क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स जैसे विकेट्स लॉस्ट, रिमेनिंग ओवर्स
और करंट रन रेट को कंसिडर करते हुए रिवाइज टारगेट कैलकुलेट करता है। इस मेथड में मेन गोल फेयरनेस है और जनरली ये टीम्स को एक रियलिस्टिक टारगेट प्रोवाइड करता है रेन अफेक्टेड मैचेस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।